जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज मेरे साथ शुभांगी सिन्हा है और शुभांगी सिन्हा ने एक लाजवाब खिताब पाया है मिस ऑलराउंडर का। पता नहीं ये मॉडलिंग की दुनिया में मिलता है या कहाँ मिलता है ये पता नहीं, लेकिन शुभांगी कहती हैं कि उन्हें MBBS करना है, नीट की तैयारी कर रही हैं। कैसे करेंगी, डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो अचानक ये डॉक्टर बनना चाहती हैं, आपके सर में ताज है, ये किस चीज़ का ताज है? ये मैंने मिस झारखंड फेम में ये ताज जीता और ये अवार्ड, उसमें मैंने मिस ऑलराउंडर विन किया था। और डॉक्टर बनने का ख्वाब मेरा बचपन से है, मुझे अच्छा लगता है दूसरों की सेवा करना, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और अभी मैं डॉक्टर मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ ताकि मैं डॉक्टर बन पाऊँ। तो ये नीट की प्रिपरेशन करते करते अचानक इस कंपटीशन में आप कैसे गए? 1 ईयर पहले जब मैंने ड्रॉप लिया था तो उस टाइम एक ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया था अच्छा, मिस। मतलब लॉकडाउन के टाइम में। हाँ तो देखिए किस तरह से लॉकडाउन ने लोगों को नया करियर एक्सप्लोर करने का मौका दिया। अब लॉकडाउन में एग्जाम्स तो हो नहीं रहे थे, तो शुभांगी ने सोचा क्यों ना ऑनलाइन में मॉडलिंग का शौक थोड़ा जगाया जाए। तो कैसे किया, ऑनलाइन कंपटीशन में भरा, तो कैसे पार्टिसिपेट किया उसमें? मिस क्वारंटाइन इंडिया शो का नाम था अच्छा, और शो का, देखिए शो का नाम ही था क्वारंटाइन इंडिया, मतलब लोग घर में भी थे, उसको भी एक कंपटीशन बना दिया गया। ये तरंग ग्रुप द्वारा किया गया था अच्छा। और इनके डायरेक्टर अमित कुमार गुप्ता सर थे। तो इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने उसमें मिस पॉपुलर फेस विन किया था। अच्छा, मतलब क्वारंटाइन में आपने पूरा मेकअप वेकअप करके घर में बैठी हुई थी और आपको मिल गया अवार्ड। यस सर। उसके बाद फिर मैंने जब देखा कि मैं जीत रही हूँ, हाँ मुझे टैलेंट पे सिंगिंग और डांसिंग दोनों का काफ़ी शौक था, बिल्कुल। तो इसी का प्रयोग करके मैं सोची कि मैं थोड़े आगे बढ़ती हूँ इसमें भी। पढ़ाई के साथ साथ मैंने सोचा मैं मिस झारखंड फेम में ऑडिशन ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने ऑडिशंस दिया, ऑडिशन काफ़ी अच्छे हुए थे मेरे। जजेस को मैं बहुत पसंद आई थी हजारीबाग के ऑडिशन में, तो उन्होंने मुझे फिनालिस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया था। अच्छा, तो अब फिजिकल के लिए, मतलब फिजिकल फिनाले के लिए, हाँ ये क्वारंटाइन वाला सिस्टम नहीं, खत्म हो गया। हाँ आप लोगों को बता दूं कि अभी हॉट स्टार पे एक बहुत फेमस चल रहा है, वो वेब सीरीज बोलते हैं आप जिसको, एस्केप लाइव करके। इसमें अलग अलग शहर से लोग नया नया टैलेंट दिखाते हैं ऑनलाइन में, और ऑनलाइन की दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, लोग स्टार डायमंड सेलेक्ट करते हैं। तो उस सीरीज को जब देखिएगा तो ये जानिएगा क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं ऑनलाइन दुनिया के। बहुत अच्छा समझाया है एस्केप लाइफ में। तो आपने क्या देखा है वो एस्केप लाइफ? नहीं, मैंने अभी तक तो एस्केप लाइफ नहीं देखा है। मैं ज़्यादा टीवी नहीं अभी देख पा रही हूँ या फिर फ़ोन का यूज़ नहीं कर तो पा ये रही हूँ। वो उसी बेस पे है, जैसे आप अपना शो जो दिखा रही हैं या मॉडलिंग का टैलेंट जो दिखा रही हैं क्वारंटाइन के टाइम में दिखाया था, वो उसी थीम पे बेस्ड है। हाँ मैं ज़रूर देखूंगी, मुझे पता भी नहीं था, अभी मुझे पता चला है तो मैं ज़रूर उसे देखूंगी। बिल्कुल। तो क्या हुआ उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो गया? जब मेरा सिलेक्शन हो गया उसके बाद मेरे घर वालों से मुझे बहुत सपोर्ट मिली थी, मेरे कजिन्स, मेरे मम्मी पापा सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैंने और मेहनत किया, मैं अपने काम पे और वर्क की, रैंप वॉक की प्रैक्टिस की मैं, और मेरा सिंगिंग मेन है तो मैंने टैलेंट राउंड में सिंगिंग की प्रैक्टिस की अच्छा, मतलब फिर। सिंगिंग हाँ का शौक है हाँ शुरू से। बचपन अच्छा, से ही। तो आज एक गाना हम लोग सुन के जाएंगे शिवांगी का, तो आप जुड़े रहिएगा। तो जैसे ही इंटरव्यू खत्म होगा उनका एक गाना सुनेंगे, आवाज़ अच्छी होगी तो। मुझे इसी में प्रैक्टिस कर रही थी, फिर जब अभी जब डेट पास आने लगे हाँ फिनाले के, तो उस टाइम मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, मेरे मामा का डेथ हो गया था अच्छा। अभी फिनाले के 10 या 5 दिन पहले ही। मेरी मम्मी फिर वहाँ पुणे में चली गई थी, मैं यहाँ अपने पापा के साथ अकेले रह रही थी। तभी भी मैंने प्रैक्टिस जारी रखी, मुझे मेरे पापा ने बोला कि देखो जो होना था वो हो गया, अभी तुम्हारे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है, तुम इसे मत खो। तो मैंने बहुत सोचा समझा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस अपना कंटिन्यू रखी। फिर मैंने मम्मी को इन्फॉर्म किया कि मेरे फिनाले के डेट्स क्लोज हो रहे हैं। मेरी मम्मा आ गई पुणे से हजारीबाग, फिर हम लोग रांची जाके वहाँ पे अपना फिनाले का तो क्या क्या प्रिपरेशन। हुआ रांची में, फिनाले में क्या क्या कंपटीशन हुआ जो आपको मिस ऑलराउंडर का खिताब मिला? रांची में हमें 7 to 9 बुलाया गया था, 7 जून से लेके 9 जून तक। वहाँ हमें 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई तानिया मैम के द्वारा, जो कि मिस ग्लोब इंडिया रह चुकी हैं। अच्छा, तो वहाँ पे हमें 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई रैंप वॉक की। उसके बाद फिर टैलेंट राउंड हमारा हुआ था, उसमें हमें अपना टैलेंट शो करना था। अच्छा, तो और वहाँ पे क्वेश्चन आंसर राउंड हुए थे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन आंसर मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, विच रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड मैटर्स टू यू द मोस्ट? तो ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स मैटर टू बी द मोस्ट, नोबडी कैन चेंज दिस रिलेशनशिप और बॉन्ड टू मी।
सो मैंने ये आंसर किया था। फिर हमारी जो रैंप ऑफ फिनाले हमारा 9 तारीख को हुआ था एकलव्य बैंकेट हॉल रांची में। अच्छा। वहाँ हमें हमारी ट्रेडिशनल रैंप वॉक हुई थी। हाँ। फिर क्वेश्चन आंसर राउंड हुए थे और टैलेंट राउंड हुए थे, उसके बेसिस पे ही मैंने ये खिताब जीता। तो ये बताइए, टैलेंट हो गया आपका, सब कुछ कंपटीशन हो गया, अब जीत गई हैं, तो क्या मेडिकल से और डॉक्टर बनने का जो सपना है वो ख़त्म होते होते मॉडलिंग की तरफ जा रहा है रुझान? मैं मॉडलिंग की तरफ तो ज़रूर जाऊंगी, लेकिन मेरा एक शुरू से है कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाके ब्यूटी विद ब्रेन का एग्जांपल सेट करना है। अच्छा, मतलब डॉक्टर बनते बनते मॉडलिंग जारी रहेगा? हाँ, मैं डॉक्टर भी बनूंगी, मैं मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, तो मैं पढ़ूंगी पीएचडी तक। हाँ, और मैं मॉडलिंग भी करूंगी और मैं ब्यूटी विद ब्रेन का एग्जांपल सेट करूंगी। किस तरह से शुभांगी का जो एम है वो पूरा हो। आप लोगों को बता दूं कि हजारीबाग से स्टीफी पटेल ने भी ऐसे ही अपना करियर शुरू किया था, मिस टीन इंडिया में गई, जीती, उसके बाद फिर हॉलीवुड, बॉलीवुड और बहुत सारे फिल्मों में अब आ रही हैं। तो क्या आप जानती हैं स्टीफी पटेल को? जी जरूर, मैं स्टीफी पटेल को मैं बहुत फॉलो करती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा। मैं मतलब उनके, क्या वो लोग मोटिवेट करते हैं? हाँ, मुझे बहुत मोटिवेट करती है स्टीफी पटेल, उनकी स्टोरी। हाँ। उन्होंने ऐसे ही अपना करियर की शुरुआत की थी। हाँ। पढ़ते पढ़ते ही 12th के बाद से, तो मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। और उनसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया है अमित कुमार गुप्ता सर ने, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं मॉडलिंग के लिए, पढ़ाई के लिए भी, कि पढ़ाई कभी मत छोड़ना, कितने भी आगे चले जाओ। एक टाइम आएगा जब मॉडलिंग और पढ़ाई में चुनना पड़ेगा, क्या चुनेंगे आप? मैं ऐसा टाइम में मैं दोनों मैनेज करूंगी। नहीं, ऐसा टाइम नहीं होगा, एक ही चीज चुनना होगा, तो क्या करेंगे? नहीं, मैं मैनेज, आपका मेडिकल का एग्जाम चल रहा होगा फाइनल और मॉडलिंग का फाइनल चल रहा होगा, किस में जाएंगे? मैं मेडिकल में जाऊंगी, डेफिनेटली जाएंगे। देखिए आखिरकार मॉडलिंग को किनारे कर दिया आपने। नहीं, किनारे नहीं किया, मैं दूसरे साल मॉडलिंग में चले जाऊंगी। मेडिकल में मुझे शुरू से जाना था, क्योंकि मुझे दूसरों की जान बचाना, दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है, तो ये भी एक तरह का समाज सेवा ही हुआ, इसलिए मैं मेडिकल। ये ताज अब बड़ा हो जाएगा जाते जाते, आपके एज के साथ, आपके करियर के साथ शायद बड़ा होगा ताज। हाँ, ज़रूर बड़ा होगा, मैं कोशिश करूंगी, मैं इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट भी जीतूं, नेशनल भी जीतूं, और हजारीबाग और झारखंड का नाम रोशन करूं। तो ये बीइंग इन स्मॉल टाउन और छोटे शहर में एक्सपोजर क्या है, कितना ज़्यादा है, बराबर है आजकल ऑनलाइन की दुनिया में कि कुछ कम है? कुछ कम तो है, बहुत लोग हैं कि मॉडलिंग को बहुत गलत लाइन समझते हैं, कि उन्हें लगता है कि मॉडलिंग मतलब गलत बॉडी शोइंग। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, मॉडलिंग के थ्रू हम अपना अपनी संस्कृति को शो कर सकते हैं, अपने आर्ट को शो करते हैं, अपने टैलेंट को शो करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, बस हमें सही लाइन में जाने की ज़रूरत है। अगर हम ही गलत करेंगे तो लोगों को लगेगा कि गलत लाइन है, हम सही लाइन पे जाएंगे और सबका नाम रोशन करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी अपना नाम दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व रखेंगे। तो जैसा मैंने बताया था, शुभांगी से एक गाना सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने बताया कि बचपन से सिंगिंग कर रही हैं। तो शुभांगी, कौन सा गाना आपने कब दिखाया, नहीं कैसा है? तो देखिए, ये कप है जो डॉबी इंटरटेनमेंट मिस झारखंड फेम में इन्हें मिला है, मिस ऑलराउंडर का। आप भी देखिए, ये कप धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। तो हजारीबाग की बात ही अलग है। कल ही हम लोग वो बात कर रहे थे एक रेसर की, सदानंद की, जो 10.63 मीटर सेकंड्स में 100 मीटर की रेस जीत के इंडिया का फास्टेस्ट लड़का बना। अब पूरे झारखंड में मिस ऑलराउंडर बनी है शुभांगी सिन्हा। तो अलग अलग तरह के टैलेंट हजारीबाग में, मतलब शहर की बात ही कुछ और है। तो आप चलिए, अब हजारीबाग वासियों के लिए एक अच्छा गाना सुना दीजिए। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तो देखिए, बहुत अच्छी आवाज़ है और इन्हें ज़रूरत है स्टूडियो में गाने की, अच्छा से रिकॉर्डिंग करने की और लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की। तो इसी तरह से आप शिवांगी जी गाते रहिए, अपने पैशन को जीते रहिए और नीट का तैयारी
करते रहिए और मेडिकल मत छोड़िएगा। हाँ मैं मेडिकल नहीं छोड़ूंगी, मैं MBBS करके ही रहूंगी। MBBS करके रहिएगा और मॉडलिंग का ताज बड़ा करते बड़ा करते रहूंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे शुभांगी से, जो मिस ऑलराउंडर बनी है और आगे जाके MBBS करना चाहती हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।